सो हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपने BOB ATM का पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। सो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। सो सबसे पहले आपका अपना कार्ड लेना है, आपका जो कार्ड है उसको इसमें इंसर्ट करना है ATM मशीन में। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, सो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा सेट जनरेट ATM पिन, सो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर रहता है 14 नंबर का, उसको आप इसमें डालना है। देन आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आपको फिर से री एंटर करना है, एक बार फिर से आपको डालना है आपका अकाउंट नंबर। देन आपको करेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर से आपका मोबाइल नंबर ऐड है वो आपका मोबाइल नंबर डालना है इसमें। देन आपको प्रेस इफ करेक्ट, सो आपके मोबाइल में एक आ जाएगा 4 अंक का OTP आ जाएगा, उसको इसमें डालना है आपको। सो जैसे मैंने डाल दिया है, अभी हमारा प्रोसेस हो रहा है। देन अब आपको चूज करना है आप कौन सा अपना पिन रखना चाहते हैं। सो मैं आपको इतना प्रोसेस बता चुका हूँ, अब आपको अपना पिन ऐड करना है यहाँ पे, जो भी आप पिन ऐड करना चाहते हैं। सो मैं अपना ऐड कर लेता हूँ, कुछ भी जो मुझे ऐड करना है। और फिर उसके बाद आपको फिर से एक बार करना है वही जो आप कर रहे हैं, मतलब आपको जो सेट करना है पिन। सॉरी, सो दोस्तों फाइनली बन चुका है हमारा ATM पिन चेंज हो चुका है, देख लीजिए आप लोग भी, पिन चेंज सक्सेसफुली। देन और आपको एक रिसीट भी मिल जाएगा ऐसा। सो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।